हे दोस्तों नमस्कार, हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी यूपी पीसीएस में वैकेंसी निकली हैं तो उसी के बारे में, क्या एससी एसटी ओबीसी वाले स्टूडेंट फॉर्म भरें। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आपने फॉर्म भर दिया है या आपने नोटिफिकेशन देखा है, नोटिफिकेशन में तो कुछ वैकेंसी वगैरह का ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन आप ऑनलाइन यूपी पीसीएस की साइट पर जाके, हमने फ्रेंड्स इसके लिए एक पहले एक वीडियो भी और जारी किया है, वो भी आप ज़रूर देखें। उसमें उसका टाइटल हमने दिया है, क्या यूपी पीसीएस में सभी जो वैकेंसी है सभी जनरल कैटेगरी के लिए हैं क्या। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी होगा और काफ़ी वीडियो बन चुके होंगे कि क्या इसमें जो टोटल मतलब 917 वैकेंसी, वो सभी फ्रेंड जो नोटिफिकेशन है अंदर, मतलब फॉर्म अप्लाई करोगे उसके अंदर, तो उसमें सभी वैकेंसी जनरल के लिए शो कर मतलब बताई गई हैं कि सामान्य की 917 टोटल वैकेंसी हैं। तो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट से हमारा ये अनुरोध है कि वो एक बार आयोग को फ़ोन करके पूछ लें, कॉन्टैक्ट करके, कि सर क्या हम फॉर्म इस ये कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि फ्रेंड, ऐसा बहुत ही कम होता है, कभी नहीं हुआ ऐसा कि पूरी की पूरी जो वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी को दे दी जाए या जनरल कैटेगरी के लिए अलॉट की गई है। क्योंकि फ्रेंड, कुछ वैकेंसी तो यदि रिजर्वेशन पॉलिसी का यहाँ पर यूज किया जाता तो 50% जो 917 में से लगभग 450 के आसपास वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहती, लेकिन इसमें सभी वैकेंसी जनरल के लिए शो की गई है। तो यदि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट हैं, तो एक बार आप आयोग को पूछ लें कि सर क्या इसमें संशोधन होने की संभावना है, या फिर जो भी क्या ये सही है, यदि है तो प्रेफरेंस आपको जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि ये बात सही है पूरी जनरल के लिए, और उसके लिए आपको जनरल की आपके पास एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, पूरी योग्यता, जैसे उम्र का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको चांस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, और भी जितनी फीस का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि फिर आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी है। फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीरियस कैंडिडेट, तो हमारे चैनल पर आईएएस से संबंधित काफ़ी वीडियो, जीके, करंट अफेयर, एफटी रीजनिंग, और भी जो छोटे एग्जाम रहते हैं उनके लिए, सभी के लिए, रेलवे का जो एएलपी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला उसके लिए भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी का भी बटन दबाएं, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।